नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ईस्ट बंगाल एफसी और बेंगलुरु एफसी से जुड़े ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में। लेकिन दोस्तों, स्पेशली ईस्ट बंगाल एफसी को लेकर बहुत ही बड़ा अपडेट है जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो में फुल डिटेल्स में बताने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, आगे बताने से पहले मैं आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बेंगलुरु एफसी से जुड़े ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं पिछले 2-3 सालों से बेंगलुरु एफसी स्ट्राइकर की खोज में लगी हुई है, क्योंकि दोस्तों पिछले 2-3 सालों से बेंगलुरु एफसी एक अच्छे फॉरनर स्ट्राइकर को साइन करवाने में कामयाब नहीं रही और उसके वजह से दोस्तों बेंगलुरु एफसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। गोल के मामले में वो गोल नहीं कर पा रही थी, तो अब फिर से दोस्तों बेंगलुरु एफसी एक अच्छे स्ट्राइकर की खोज में लग गई है और एक स्ट्राइकर का नाम सामने आया है दोस्तों जो बेंगलुरु एफसी में साइन कर सकते हैं और इनका नाम है दोस्तों रूडी गैस्टडी। तो दोस्तों, रूडी गैस्टडी बेनिन से बिलोंग करते हैं। इनका उम्र है दोस्तों 32 साल और इनका मेन पोजीशन है दोस्तों सेंट्रल फॉरवर्ड। स्ट्राइकर के पोजीशन पर यह खेलना बिल्कुल पसंद करते हैं। और दोस्तों, रूडी गैस्टडी के बारे में और बात किया जाए तो इनको प्रीमियर लीग, ए लीग और बाकी जितने भी लीग्स होते हैं जो दोस्तों वर्ल्ड में नंबर वन लीग्स है, तो उन सभी लीग्स में खेलने का इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, इन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी और बाकी जितने भी यूरोप के बड़े क्लब्स हैं उनके विरुद्ध में खेला है दोस्तों और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन भी किया है। और अगर बेंगलुरु एफसी रूडी गैस्टडी को अपनी टीम में साइन करवाने में कामयाब होती है तो बेंगलुरु एफसी को एक अच्छा फॉरनर स्ट्राइकर मिल जाएगा। और मुझे लगता है दोस्तों कि अगर रूडी गैस्टडी आईएसएल में आते हैं, बेंगलुरु एफसी के लिए खेलते हैं, तो मुझे लगता है ये आईएसएल के लिए बहुत ही बड़ा बात होगा, क्योंकि दोस्तों रूडी गैस्टडी प्रीमियर लीग में भी काफी साल खेले हैं, ए लीग में खेले हैं और बाकी सभी लीग्स में उनको खेलने का एक्सपीरियंस है। मैनचेस्टर यूनाइटेड, जैसे कि मैंने पहले कहा, चेल्सी और भी बाकी कई यूरोपियन क्लबों के विरुद्ध ये खेल चुके हैं और इनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है और बेंगलुरु एफसी इनको अपनी टीम में साइन करवा सकती है। क्योंकि दोस्तों, अभी रूडी गैस्टडी जिस क्लब में खेल रहे हैं उस क्लब के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा जून 2021 को, तो इसका मतलब ये होता है कि बेंगलुरु एफसी बिना ट्रांसफ़र फी दिए अपने टीम में रूडी गैस्टडी को आराम से साइन करवा सकती है। तो दोस्तों, आगे देखना है कि क्या होता है, बेंगलुरु एफसी इनको अपनी टीम में साइन करवाने में कामयाब होती है। अभी तक सिर्फ ऑफर ही गया है बेंगलुरु एफसी की तरफ से रूडी गैस्टडी को, लेकिन आगे नहीं पता कि रूडी गैस्टडी बेंगलुरु एफसी में साइन करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, बहुत ज़्यादा चांस है कि रूडी गैस्टडी बेंगलुरु एफसी में साइन कर दे और जैसा ही साइन करने का कुछ न्यूज़ आता है रूडी गैस्टडी और बेंगलुरु एफसी को लेकर तो मैं आप सभी को ज़रूर बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ईस्ट बंगाल एफसी से जुड़े ट्रांसफ़र न्यूज़ के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं अभी ईस्ट बंगाल एफसी का बहुत ज़्यादा ख़राब दिन चल रहा है, इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी ईस्ट बंगाल एफसी का जो इन्वेस्टर है श्री सीमेंट, उनके साथ बहुत दिनों से प्रॉब्लम लगातार चलता आ रहा है और अभी भी चालू है दोस्तों। अभी तक इन्वेस्टर और ईस्ट बंगाल के साथ कोई भी साझा नहीं हुआ है दोस्तों, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, जिसके वजह से दोस्तों आईएसएल सीजन 8 जो है वो करीब आ रहा है और अभी ईस्ट बंगाल एफसी के स्क्वाड में जितने भी प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। और इससे पहले भी मैंने बताया था कि जैक्स मोगोमा ईस्ट बंगाल को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों ईस्ट बंगाल का भी प्रॉब्लम इन्वेस्टर के साथ बहुत दिनों तक चल रहा है और आगे कब तक चलेगा ये किसी को भी नहीं पता। और इसी के वजह से दोस्तों मैटी स्टैनमैन जो ईस्ट बंगाल एफसी के प्लेयर हैं और ब्राइट एनाबोकारे, ये दोनों प्लेयर दोस्तों अभी सुना जा रहा है कि इसी प्रॉब्लम के वजह से ईस्ट बंगाल एफसी को छोड़ना चाहते हैं। हालांकि मैटी स्टैनमैन का अभी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट और बाकी है और ब्राइट एनाबोकारे के बारे में बात किया जाए तो उनका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का ही था जो कि ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैटी स्टैनमैन का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बाकी था। तो दोस्तों, मैटी स्टैनमैन चाहते हैं कि अब ईस्ट बंगाल एफसी में वो नहीं खेले, वो ए लीग में जाके खेलना चाहते हैं, जैसे कि अभी अपडेट आ रहा है मैटी स्टैनमैन को लेकर। और दोस्तों, ब्राइट एनाबोकारे के साथ भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्तों ब्राइट एनाबोकारे ने बहुत ज़्यादा
ज़्यादा वेट किया, उन्होंने कहा था कि मैं वेट करूंगा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा दिन हो चुका है दोस्तों इस प्रॉब्लम को लेकर, ईस्ट बंगाल एफसी अभी तक सॉल्व नहीं कर पाई है। और साथ ही बात करें दूसरी प्रॉब्लम की, तो दूसरा प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि स्टेनमैन और ब्राइट एन अबोकारे इसलिए इंडिया में नहीं आना चाहते क्योंकि अभी इंडिया में कोविड केसेस लगातार बहुत ज़ोरों से बढ़ रही है और जिसके वजह से जितने भी फॉरेनर खिलाड़ी है ISL के, वो सारे खिलाड़ी इंडिया में आने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। और ये कारण भी है कि मैटिस स्टेनमैन और ब्राइट एन अबोकारे ईस्ट बंगाल एफसी में दोबारा नहीं खेलना चाहते। तो दोस्तों ब्राइट एन अबोकारे को अभी बहुत सारी क्लब्स ऑफर कर रही हैं, तो अब देखना यह है कि ब्राइट एन अबोकारे बाहर के किसी क्लब में खेलते हैं या फिर इंडिया में ही रहकर ISL में खेलेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों ये बात अभी तक बिल्कुल तय है कि मैटिस स्टेनमैन और ब्राइट एन अबोकारे ईस्ट बंगाल एफसी के जर्सी में नहीं दिखने वाले हम सभी को अगले सीज़न यानी ISL सीजन 8 में। तो दोस्तों फिलहाल ये वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।